तो गुड़िया, इस क्वेश्चन में अपन क्या देखते बेटा, बात करें परसेंटेज कंपोजिशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा कंटेन 78% बाय वेट कार्बन। इसके अंदर बताओ गुड़िया बात करें, अगर अपन देखें बाय वेट, मतलब वो ये कह रहा है कि जो मैं बेटा बात करें आपको क्या दे रहा हूँ, परसेंटेज दे रहा हूँ, 78% कार्बन है, तो वो वेट के अकॉर्डिंग लो उसको, मतलब उसका वेट मानो आप। इसका मतलब कार्बन गुड़िया बात करें जो है ना, कार्बन का वेट कितना बेटा, गिवन वेट है 78 ग्राम। कितना बेटा बात करें, तो जो 78% कार्बन है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, 78% कार्बन है, मतलब ये मान लो कि जो 78% है, तो परसेंट क्या के लिए निकालते हैं, 100% के लिए, तो जो परसेंट है 100, उसको 100 ग्राम मान लो आप। टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है बेटा बात करें, 100 ग्राम। 100% अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका मतलब 100 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका मतलब इसका ये गिवन वेट है टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जिसमें गुड़े कार्बन कितना है 78%, मतलब 78 ग्राम है। ठीक है, दूसरा है बेटा बात करें एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, और गुड़े बात करें जो रिमेनिंग परसेंटेज बचा है, तो इसका मतलब बाय वेट के अकॉर्डिंग उसको भी अपन लेंगे, वो हाइड्रोजन है। तो 78% अगर ये है, तो कितना बेटा बात करें, 22% कौन है गुड़े बात करें, हाइड्रोजन। इसका मतलब गुड़े बात करें जो हाइड्रोजन का वेट है वो कितना है बताओ बेटा बात करें, गिवन वेट वो दे रखा है 22। समझे कि नहीं समझे, नहीं आएगा क्या, आराम से आएगा गुड़े बात करें, अगर ये 80 होता तो ये 20 होता। अब बस आओ गुड़े बात करें, हमारे पास निकाल दो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला जो गुड़े होता है वो क्या होता है, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ बेटा बात करें ऑल एटम, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ बेटा बात करें ऑल एटम इन कंपाउंड। कंपाउंड जो भी है उस कंपाउंड में जो, जैसे अपने बोले ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बना कैसे बेटा बात करें, वो बना कार्बन और हाइड्रोजन से, तो कार्बन हाइड्रोजन का क्या रेशियो है, बस समझ पा रहे हो, निकाल दो गुड़िया। सबसे पहले कार्बन को लिखो और गुड़े हाइड्रोजन को लिखो, पहले एलिमेंट लिखते हैं हमेशा, एलिमेंट के बाद गुड़े बात करें उसकी क्या लिखो बेटा बात करें, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कितना होता है, पहले यहाँ पर आप लिख लो गुड़े बात करें गिवन मास, तो गिवन जो मास है, गिवन वेट या गिवन मास बोलो, वो रियल में क्या था, वेट परसेंट, क्या था बेटा, वेट परसेंट। कितना था ये 78%, मतलब 78 ग्राम। कितना था 22%, मतलब 22 ग्राम। फिर इनकी बेटा बात करें आप एटॉमिक मास निकाल दो, एटॉमिक मास कार्बन का क्या होता है पता ही होता है, याद होता है 12, और हाइड्रोजन का 1 पता ही है। फिर इससे बेटा बात करें मोल निकालो, आप क्या निकालो मोल, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में पूरे बात करें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को काय में रिप्रेजेंट करते हैं आप, मोल में, तो पूरे बात करें मोल। अच्छा मोल कैसे निकालते हैं, अगर मोल मुझे निकालना है तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट अपॉन बेटा बात करें मॉलिकुलर वेट। एटम है तो गिवन एटम अपॉन एटम, एटम पूरे बात करें एटमिक मास, गिवन मास ऑफ एटम अपॉन एटॉमिक मास ऑफ एटम। तो गुड़े बात करें 78 गिवन है, 12 बेटा दे रखा है हमारे पास एटॉमिक है, तो क्या करें बताओ, 78 गिवन अपॉन एटॉमिक मास 12, इसका कितना था गिवन 22 अपॉन एटॉमिक गुड़े बात करें 1, कितना आ गया 22, और ये कितना है बेटा बात करें 12 2 24 22 52 72 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
आ जाएगा। सिंपल सी बात है, मतलब कितना आंसर आ गया 6.5। जो छोटा नंबर है उसका डी दोनों में डिवाइड मारो ताकि सिंपलेस्ट रेशियो आ जाए। इन दोनों में छोटा कौन है? 6.5। 6.5 का 6.5 में डिवाइड करो कितना आ गया 1। ये सिंपलेस्ट रेशियो है। क्या है बेटा बात कर, सिंपलेस्ट रेशियो के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे छोटे नंबर का डिवाइडेशन सब में मारते हैं, और दूसरी कंडीशन है इसका इसमें मारो। तो 22y बेटा बात कर 6.5। अब अगर देखें हमारे पास ये गुणा 7 होता तो लगभग कितने बार जाता? 3 बार। 7 × 2 = 7 = 21। 6 है तो भी गुणा जाना 3 बार ही 6.5 का। 6 × 3 = 18 और गुणा बात कर 0.5 × 3 = 1.5 मींस गुणा बात करें कितना आ गया 19.5। तो 19 पॉइंट अगर 5 दीदी बात करें निपट गया इसमें से, तो बचा कितना बताओ बेटा बात कर 2.5। अब 2.5 में दीदी बात करें कितने बार जाए बताओ, 6.5 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना। और जाएगा भी तो कितने बार, पॉइंट से पॉइंट चला गया, बुरे बात का एक जीरो बढ़ाओ तो 65 × 2 = 120, 6 × 6 = 18, 3 बार करीब चला जाएगा, 24 नहीं 3 बार जाएगा। तो 3.3 को नियरली 3 मान लो, क्या मान लो बेटा 3.3 को 3 मान लो, मतलब सिंपल रेशियो क्या आ गया बुढ़े 1:3। कितना आ गया बेटा बताओ 1:3। मतलब यहाँ पे कार्बन और बुढ़े हाइड्रोजन, कार्बन का नंबर कितना आया 1, कार्बन नंबर कितना आया था 1 और हाइड्रोजन का नंबर कितना है 3। ये गुड़े बात करें मतलब CH3 क्या था, CH3 क्या होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला, क्या होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए गुड़े सीधी सी बात है। ये तो केवल दो क्वेश्चन का था, 2021 का क्वेश्चन था ये, 2021 का।
तो ऑप्शन क्या है? CH3। समझ पा रहा? एकदम सिंपल सी बात है, करना कुछ नहीं है, पहले एलिमेंट लिखना, फिर जो गिवन वेट परसेंट है उसका तुम वेट मान लो, फिर उनके तुम सामने एटॉमिक मास लिखो। एटॉमिक मास क्यों लिख रहा है? ताकि गिवन वेट में एटॉमिक मास को डिवाइड करके मोल निकाले। मोल में क्यों लाना चाहते? क्योंकि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट ही मोल होती है। केमिस्ट्री में दीदी बात का, हर चीज को तुम्हें मापना किसमें पड़ेगा? मोल में मापना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? मोल के अलावा वो कुछ नहीं जानता है। आप वेट में देते हो, आप नीचे वेट से फिर डिवाइड करके मोल में निकाल देते हो, निकालते ना। उसने दिया था इतने ग्राम, आपने क्यों बुढ़िया बात में 12 ग्राम का भाग लगाया? क्योंकि केमिस्ट्री को आंसर चाहिए नहीं था ग्राम में, वो मानती नहीं ग्राम किलोग्राम क्या है। तो ग्राम उसने दिया था, ग्राम का हमने डिवाइड किया, याद है? देखो 78 ग्राम / 12 ग्राम, ग्राम से ग्राम कट गया, तो बुढ़िया बताओ टोटल क्या गया? यूनिट लेस, मतलब मोल में चाहिए मुझे, किसमें चाहिए? आपको वॉल्यूम देते अपन नीचे 22.4 लीटर से डिवाइड करते, लीटर से लीटर में भाग लगा देते, मुझे यूनिट चाहिए ही नहीं है। क्यों ये गुड़े बात का अपन मोल में निकालते? क्योंकि केमिस्ट्री अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को लेता ही कायम है मोल में, ये हमेशा याद रखो। ग्राम में दे तो मोल में निकालना है, नंबर दे तो गुड़े एवोगैड्रो नंबर का डिवाइड करके मोल में निकालना है, वॉल्यूम दे तो 22.4 लीटर का डिवाइड करके मोल में निकालो, क्योंकि मोल ही गुड़े चलता है, ठीक है? तो मोल एक नंबर है। तो बेटा बात के हमने मोल निकाल दिए, पर मोल में सिंपलेस्ट रेशियो नहीं था, तो हमने क्या किया? सबसे छोटे नंबर का डिवाइड कर दिया, कि इससे छोटे में इसको और नहीं तोड़ा जा सकता। 6.5 का लगाया, कितना बना गया, और इसमें लगाया तो 3.3 आया। अब 0.3 तो बात कर वैसे बहुत छोटा नंबर है, तो सीधा आंसर कितना आ गया? CH3। क्या मान लिया अपन? कितने स्टेप में करना है बुढ़े बात करें? एक ये जो दे रखा है, दूसरा एटम मास लिखना होता है, मोल निकालते सिंपलाइजेशन निकालो, एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। एम्पिरिकल फॉर्मूला छोटा नहीं है। अब मैं जब आपको क्वेश्चन देने वाला हूं, तो वहां बेटा बात करें, एक चाहिए मुझे क्या? एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या चाहिए जल्दी बोलो? दूसरा चाहिए मुझे बात करें क्या? मॉलिकुलर फॉर्मूला। क्या चाहिए जल्दी बोलो बेटा बात करें? मॉलिकुलर फॉर्मूला, ठीक है। तीसरा दीदी बात करें, पता चाहिए मुझे क्या बेटा बेटा बात करें? एम्पिरिकल फॉर्मूला अगर देखें तो जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है वो तो ऐसे आएगा, लेकिन जो मॉलिकुलर फॉर्मूला बुरे बात करें होता है ना, वो कैसे आता है? एन इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। यहाँ पे एन क्या होता है बुरे बात करें? अगर आप एन नहीं होगा ना तो आपका मॉलिकुलर फॉर्मूला नहीं आएगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला तो निकाल लोगे। अगर मैं पूछूं बताओ इस क्वेश्चन में इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या है, सर एन बताओ आप एन क्या है? पर एन यहाँ पे क्या होता है गुड़िया? एन होता है यहाँ पे रेशियो किसका? वेट का। किस कौन से वेट का? मॉलिकुलर वेट अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट, मॉलिक्यूलर वेट, या मास बोल दो, मॉलिकुलर मास अपॉन अपॉन बेटा बात करें क्या जल्दी बोलो? एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा तो उसका मास तो निकाल लोगे, लेकिन मॉलिकुलर मास कैसे मिलेगा? मुझे तो मॉलिकुलर फॉर्मूला ही निकालना है, तो जो जब फॉर्मूला ही पता तो मास कैसे निकालोगे आप? दिक्कत तो होगी कि नहीं होगी? मॉलिकुलर फॉर्मूला पता नहीं आपको, तो मॉलिकुलर मास लेके बैठ जाओगे, पॉसिबल है क्या ऐसा? नहीं है ना। तो फिर इसका मतलब मुझे मॉलिकुलर मास चाहिए। हाँ मॉलिकुलर दीदी बात करें, मास कैसे आएगा, मॉलिकुलर वेट कैसे आएगा? मॉलिक्यूलर बेटा बात करें मास अगर चाहिए तो फिर गुटे बात करें कैसे निकलेगा वो? 2 × वेपर डेंसिटी। कैसे निकलेगा बेटा? 2 × वेपर डेंसिटी। वो क्वेश्चन में देगा गुटे बात करें कि इस कंपाउंड की, जो कंपाउंड बनने वाला है जिसका मॉलिकुलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला को निकालना है, उसकी वेपर डेंसिटी इतनी है। तो वेपर डेंसिटी माने उसने दे रखी 73। 73 इंटू 2 करो कितना आ गया बताओ बेटा बात करें जल्दी बोलो? 146। यहां रखो एम्पिरिकल फॉर्मूला जो आपने निकाला CH3 उसका गुड़े बात क्या पता है? वेट नीचे रखो मास, इससे कैंसिल कर दो, माने एन आया 2। कितना आया? 2 आया, तो 2 कैसे मल्टीप्लाई करो? अब सोचो अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला CH3 है, क्या बेटा बात करें? CH3, तो इसका 2 का मल्टीप्लाई करो। एक कार्बन है, 1 इंटू 2 करो कितना आ गया? 2। हाइड्रोजन बताओ एक मोल में कितना था? 3, तो 2 × 3 करो कितना आ गया? 6। मतलब C2H6 क्या हो जाएगा इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला। तो मॉलिकुलर फॉर्मूला मुझे चाहिए, तो मुझे पहले क्या चाहिए बेटा बात करें? एन चाहिए, एन इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला तो ऐसे ही निकालना है, लेकिन जब वो मॉलिकुलर फॉर्मूला पूछे उसमें एन का मल्टीप्लाई करना है। एन क्या है? एन रेशियो है 2 मासेस का, मॉलिकुलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल दिया तो उसका मास तो आपके पास आ जाएगा, पर मॉलिकुलर दीदी बात का फॉर्मूला ही नहीं तो उसका मास कैसे निकालेंगे? तो वो निकलेगा डेंसिटी से। जो वेपर डेंसिटी दे रखी क्वेश्चन में उसका 2 का मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा? मॉलिकुलर मास। मॉलिकुलर मास में एम्पिरिकल मास का भाग लगाओ क्या आएगा? एन। एन का मल्टीप्लाई करो एम्पिरिकल फॉर्मूला में क्या जाएगा? मॉलिकुलर फॉर्मूला। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है बात करें, पता है एकदम सड़े से क्वेश्चन है, तो अपन निकालते हैं। समझ पा रहे हो? क्या करते हैं? निकालते हैं। ये क्वेश्चन नोट कर लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो और इनका यूज करो, करो जल्दी फटाफट बेटा बात करें।